हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के लगभग 7 बजने वाला है और अभी मैं जा रहा हूँ, सारे माल को गिनती करता हूँ कितना का माल बचा हुआ, क्योंकि दोस्तों 3 दिन फेरी किया हूँ, माल लाया था उस दिन से। और दोस्त देख सकते हैं, टोटल माल हमारे पास था 17,319 रुपये का था, देख सकते हैं। और 3 दिन फेरी किया हूँ और दोस्तों इस 3 दिन में जो है ना, खर्चा भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मोबाइल स्कूटरी जो है ना, सर्विसिंग कराया, मोबाइल रिचार्ज कराया, नाश्ता वास्ता इस समय लेकर लगभग 1500 के आसपास तक खर्चा हो गया है। तो खर्चा तो 1500 हो गया, लेकिन अभी कितना का इनकम हुआ है 3 दिन में, तो चलिए पहले हिसाब करते हैं, पहले सबको जोड़ते हैं कितने का माल है, उसके बाद में माल को हिसाब करके आप माइनस प्लस करके आप लोगों से फिर मिलते हैं। चलिए फिलहाल अभी माल को गिनती करते हैं। दोस्तों फाइनली सारे माल को गिनती कर लिया, सारे को देख सकते हैं अभी सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो गिनती उनती सब हो गया है। और चलिए आप लोगों को डायरेक्ट कॉपी पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना का सेलिंग हुआ है 3 दिन में और कितना प्रॉफिट हुआ, कितना का माल बचा हुआ है, सारे कुछ आप लोगों को दिखाते हैं और शेयर करते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं कॉपी पर। तो दोस्तों देख सकते हैं, यही माल सारे हमारा हिसाब किया हुआ हूँ, टोटल माल हमारे पास बचा हुआ है 11,712 रुपया, उसमें 11,712 रुपया का तो माल हो गया, यहाँ पर हिसाब किया हम देख सकते हैं। और 3 दिन में सेलिंग की बात करें तो 79,060 रुपये का सेलिंग हुआ है, और दोनों को प्लस करते हैं तो हो जाता है 19,672। 19,672 में से माइनस करते हैं, हमारे पास माल था उस दिन 17,319 रुपये का, तो इसको माइनस करते हैं तो हो जाता है 2,353 रुपया। तो दोस्तों 3 दिन में जो है ना 2,353 रुपया इनकम हुआ है, उसमें से 3 दिन फेरी किए तो 100 रुपये के हिसाब से पेट्रोल को हटा देते हैं तो हो जाता है 300 रुपया पेट्रोल और नाश्ता उस्ता करके 350 रुपया, तो 2,000 रुपया 3 दिन में इनकम हुआ है। तो इनकम तो ठीक ठाक है कपड़े के धंधा में, और सेलिंग भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन दोस्तों बचाने की बात है तो अपने ऊपर है कितना बचा सकते हैं। और मेरे को खर्चा ज़्यादा हो गया क्योंकि दोस्तों सर्विसिंग हुआ था उस दिन, तो सर्विसिंग और पेट्रोल भी फुल करा लिया था मैं, तो लगभग कितना 1,240 रुपया परसों चौथा रोज खर्चा हो गया था। और परसों जो है ना, उसमें 181 रुपया का रिचार्ज करा लिया, तो हमारे पास नाश्ता उस्ता कर के सारा खर्च की बात करें तो 1,460 रुपया खर्चा हो गया। तो उसको देख सकते हैं 1,460 रुपया माइनस किया हूँ तो हो जाता है 893 रुपया। तो दोस्तों हमको जो है ना 3 दिन में 893 रुपया बचा है मात्र, तो यही है। और मशीनरी चीज़ है तो कब खराब हो जाए कोई ठीक नहीं, तो हमको गुरका के आना पड़ा था दूसरे गांव में से, उस दिन मेहनत भी बहुत पड़ा था, सेलिंग भी बहुत कम हुआ था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यही बात है कि इनकम होता है बच नहीं पता है। दोस्तों अभी सावन हो गया है और अभी मैं स्नान स्नान कर लिया हूँ, चलते हैं खाना खा के चलेंगे, थोड़ा सा माल लेकर आएंगे, तो चलते हैं पहले खाना खाते हैं और खाना खा के लगभग 9-10 बजे के आसपास से निकलेंगे, तो चलते हैं खाना। तो अभी खाना खा लिया और अभी चलते हैं, और आज साइकिल से ही चल रहा हूँ देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चलते हैं आराम आराम से चलेंगे और बाइक से नहीं चलते हैं, जब माल ही लाना है तो चलते हैं अपने मस्ती से घूमते फिरते और मस्ती करते हुए, तो चल इसलिए जब माल ही लाना है, पूरा दिन कार्य हो ही जाता है, फेरी पर भी नहीं जा पाते हैं, तो चलते हैं साइकिल से ही। तो चलिए निकल रहे हैं चल के, और दुकान पे मिलते हैं, माल उल लेंगे फिर आएंगे, देखते हैं कितना बजे तक आता है, शाम तो कैसे भी हो ही जाएगा, घूमते फिरते मस्ती करते हुए आते मतलब जाते आते। दोस्तों अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और चलते हैं सीतामढ़ी, अभी 10:15 हो गया है, तो अभी आ गया हूँ दुकान में और माल छांट लेता हूँ, बंडी उंडी प्लाजो व्लाजो सब, और टी शर्ट वर्ट जो सब लेना है वो सब ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा माल खत्म था तो सब ले लिए है, और वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, बैकग्राउंड में जो है ना चारों तरफ अपनी दशहरा का समय है तो बजा बज रहा है, तो फिर भी बना रहे हैं। चलिए अभी छांट लेते हैं और बांध उंध करके हिसाब सब करा करके फिर आप लोगों से मिलते हैं, और लगभग अभी 12 बज रहा है, तो देखते हैं कितना बजे तक यहाँ से निकलते हैं।
हिसाब सा सवाल ये देख सकते हैं, ये बोल रहा है 4500 का माल है। तो अभी चलते हैं फिलहाल, और साइकिल लगा हुआ है यहाँ पे, तो लोग पहले तो साइकिल पर निकलते हैं। गमछा लेना है तो अगले दूसरे दुकान पर लेंगे, तो ये फिलहाल चलते हैं। गमछा ले लिए दोस्तों, अब निकलते हैं, खाली गमछा यहाँ पर लेना था तो गमछा ले लिए। दोस्तों अभी टाइम हो गया 1:45, और अभी नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके फिर चलते हैं। का माल टोटल है ये आप लोगों को बताते हैं, दिखा तो नहीं सकते क्योंकि बोरा में रखा हुआ है, सिर्फ गमछा देख सकते हैं, नहीं तो पूरा बोरा में रखा हुआ है, सीधे बताते हैं। तो दोस्तों बोरा में जो रेडीमेड वाला कपड़ा है ये 4600 का लिया हूँ, और ये गमछा जो है, गमछा 520 रुपये का है। गमछा दूसरे दुकान में लिया हूँ क्योंकि ये सूती वाला गमछा उस दुकान में नहीं मिलता है जिसमें लेते हैं, उसमें सिर्फ गब्बर मिलता है जो कि मिक्स रहता है, और ये वाला गमछा दूसरे दुकान में मिलता है। तो दूसरे दुकान में सिर्फ गमछा लेते हैं, तो सब एक ही दुकान में लेते हैं रेडीमेड वाला। तो 520 रुपया और 4600 तो हो जाता है 5170 रुपया, और 50 रुपये का इधर सेव लिए है, सरवन वाला था सेब लाने के लिए, तो अंगूर वाला था लाने के लिए, लेकिन अंगूर नहीं मिल रहा था तो सेब लेकर आए हैं। और दोस्तों 35 रुपया नाश्ता किए हैं, तो टोटल हमारे खर्चा हो गया, खर्चा और माल सब लेकर के हो गया 5255 रुपया। तो दोस्तों टोटल खर्चा और कपड़ा उपड़ा सब लेकर के 5255 रुपये का आज खरीदारी किए हैं, और 11700 का माल था पहले जो आप लोगों को बताए हैं सुबह में, तो टोटल हो जाता है हमारे पास कितना, 11700 और 5255, यानी कि दोस्तों टोटल माल हमारे पास हो गया, पहले वाला माल था जो, और ये सब लेकर के टोटल हमारे पास हो गया 16955, यानी कि 17000 में 45 रुपया कम। तो 17000 मान के चलते हैं, 150 रुपया इधर उधर होते रहता है, तो 17000 का माल है। और दो तीन दिन चार दिन कितने दिन में सेलिंग होता है, सेलिंग करते हैं उसके बाद में फिर आएंगे माल लाने। तो चलिए फिलहाल अभी तो चलते हैं घर। दोस्तों अभी टाउन से भी निकल चुका हूँ, और लगभग कुशमारिया ही पहुँचने वाला हूँ, लगभग सीतामढ़ी से 8-9 किलोमीटर आ गया हूँ गांव की तरफ, और अभी चलते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो है ना लगभग 12-13 किलोमीटर हमारा घर है, तो लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा हमको घर पहुँचने में, तो चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि मैं जो काम करता हूँ बच्चों का कपड़ा का, लोकल कपड़ा का, यानी कि हर एक माल कपड़ा का, तो उसमें इनकम तो होता है, ठीक ठाक होता है, और आप लोग को बताए भी हैं, और इस वीडियो में मिला है, और दूसरे वीडियो में मिला है, और दूसरे वीडियो में मिलेगा भी, लेकिन इनकम तो होता है दोस्तों, लेकिन मेरे से जो है ना पैसा बच नहीं पाता है, लेकिन मुझे जो है ना पैसा मैनेजमेंट का सिस्टम अपनाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि कैसे पैसे को मैनेज करना है, नहीं तो इनकम बहुत सारा होगा और पैसा बच ही नहीं पाएगा। तो ये बड़ी भिरा है, इतना मेहनत करते हैं पैसा बचता नहीं है, तो फिर पैसा मैनेज करने का सिस्टम को अपनाना होगा, सीखना होगा। तो चलिए अभी तो चलते हैं फिलहाल घर, और आज का इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और वीडियो में।